दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे फाइव बिग अपडेट्स फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पेंशनर्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनर्स हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उन सब के लिए जो पांच लेटेस्ट अपडेट हैं, वी विल टॉक अबाउट द फाइव लेटेस्ट अपडेट। और ये सारे के सारे अपडेट बेसिकली पेंशनर्स के लिए इंक्रीज पेंशन के बारे में बात करेंगे। लेटेस्ट द डीए ऑर्डर दैट इज बिन इम्प्लीमेंटेड, डीए से रिलेटेड जो बेसिकली लेटेस्ट ऑर्डर आया उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पे जो है इंक्रीमेंट बोनस और एमएसपी से रिलेटेड जो अपडेट है मिलिट्री सर्विस पे, वी विल टॉक अबाउट द मिलिट्री सर्विस पे। और जो सैलरी हाइक से रिलेटेड बातें हैं उसके बारे में हम जो लेटेस्ट अपडेट से उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, बात करते हैं एक एक करके। लेट्स टॉक अबाउट ऑल द पॉइंट्स वन बाई वन। फर्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू जो पेंशनर्स की जो है, महाराष्ट्र स्टेट में दे हैव इंक्रीज द पेंशन ऑफ पेंशनर्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। जो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज मतलब एज ग्रुप बनाया है, उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने पेंशनर्स की पेंशन इंक्रीज़ की है, जिसमें कि उन्होंने एज ग्रुप 80 to 85 ईयर्स के जो पेंशनर्स हैं उनकी जो पेंशन है दैट इज़ इंक्रीज बाई 10%। सिमिलरली जो 85 to 90 के एज में है, देयर पेंशन इज़ इंक्रीज्ड बाई 15%। फिर 90 to 95 की एज ग्रुप में है, उनकी पेंशन दे हैव इंक्रीज बाई 20%। तो इस तरीके से दे हैव जस्ट क्रिएटेड डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप बना के पेंशनर्स को जो है, और जितनी जिसकी ज़्यादा एज है ही इज़ गेटिंग दैट मच पेंशन। और उसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये हाइपोथेटिकल है, उन्होंने इसका डेटा भी निकाला है एंड दे हैव फाउंड की जो 100 से ऊपर है दे आर मोर देन 362 पेंशनर्स। 362 पेंशनर ऐसे हैं जिनको जो कि 100 एज से ऊपर है, और उनको जो है जो 50% उनकी जो है सीधे सीधे जो पेंशनर्स की इंक्रीज की गई। मतलब ये है कि जो जितना ज़्यादा जिसको पेंशन की रिक्वायरमेंट है उसको उतना ही दिया गया। दूसरा, अगर हम अपडेट की बात करें तो आप जानते हैं कि जो AIC पिन है, जो कि हर महीने जिसका डेटा निकलता है, जिसके बेस पे जो है वी कैलकुलेट, जो महंगाई हम कैलकुलेट करते हैं उसके बेस पे जो है डीए इंक्रीज होता है। द डीए इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन AIC पिन, जो इसका इंडेक्स आता है। तो लेटेस्ट जो है, वी हैव गॉट द AIC पिन फॉर दिसंबर एंड नवंबर, बट बेसिकली जो डीए था इट वाज डिसाइडेड बेस्ड अपॉन द नवंबर 2018 AIC पिन, क्योंकि जो नवंबर का AIC पिन था उसके अकॉर्डिंग अगर दिसंबर में अगर 5% 5 पॉइंट भी बढ़ता है, फिर भी जो है जो डीए की कैलकुलेशन है दैट विल बी दैट डीए विल बी इंक्रीज बाय 3%। तो बेसिकली अभी लेटेस्ट आया, बट अभी जो डीए का इंक्रीज बताया जा रहा है, या तो इट विल बी 3% फ्रॉम जनवरी 2019। इसके अलावा अगर हम और अपडेट की बात करें तो हम बात करेंगे जो मिनिमम सैलरी और फिटमेंट फैक्टर है 7th पे कमीशन का, उससे रिलेटेड जो है अभी देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट अपडेट कि गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट अ न्यू फार्मूला एंड दैट फार्मूला इज़ AYKROYD। इस फार्मूला के थ्रू क्या करना है कि सारा कुछ चेक किया जाएगा एंड इंस्टेड ऑफ वेटिंग टाइम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फॉर 10 ईयर्स, इट विल बी ईयरली बेसिस। अब जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपनी जो है नेक्स्ट पे कमीशन इंप्लीमेंट करने की वेट नहीं करनी पड़ेगी, एवरी ईयर बेस्ड अपॉन द AIC पिन। जो AIC पिन का जो लेटेस्ट डेटा होता है उसके बेस पे इन्फ्लेटेशन और जो महंगाई है उसको चेक किया जाएगा, और उसके बेस पे जो है हर एवरी ईयर देयर सैलरी विल बी इंक्रीमेंटेड एज पर द लेटेस्ट सिचुएशन। जो भी उस समय जितना भी ज़्यादा बढ़ा होगा या घटा होगा उसके अकॉर्डिंग जो है सैलरी की सेटिंग की जाएगी, सैलरी का इंक्रीज या डिक्रीज किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे सारे अपडेट्स जो लेटेस्ट अभी 7th पे कमीशन से रिलेटेड हो गए, MSP से रिलेटेड हो गए, DA में जो अभी जनवरी से इम्प्लीमेंट होना था, और पेंशनर्स के लिए जो अभी
महाराष्ट्र के पेंशनर्स के जो इम्पोर्टेंट अपडेट आया वो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।